इनको हुआ क्या है डॉक्टर? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, डॉक्टर आपको आके बता देंगे। क्या आप वाकई उनकी असिस्टेंट हैं? मुझे लगा था कि आप उनकी मंगेतर हैं। ऐसा होता तो बहुत बेहतरीन जोड़ी जी, होती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर हाँ। ये लीजिए, और रिपोर्ट्स भी आ गई हैं सारी, जो आपने कहा था वही है। सुमैया, हमें इनका फौरन इलाज शुरू करना होगा। जी डॉक्टर। ये ले शकील साहब, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आपको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। एक ब्लड क्लॉट ने आपकी टांग की रक्त से आपके लंग्स तक का सफर किया, इसीलिए आपको सांस लेने में मुश्किल हुई और आपके सीने में दर्द होना शुरू हुआ। आपको यकीन है ये सब गोली की वजह से नहीं हुआ? देखा तुमने शकील, तुम मुझे इल्जाम दे रहे थे कि ये सब सामान उठाने की वजह से हुआ है। तुमने देख लिया ना, ये सब तुम्हारी लापरवाही है। इस वक्त शकील साहब को आपके प्यार की जरूरत है बहुत, तो इनसे लड़िएगा मत। तो शकील साहब, हम आपका इलाज शुरू करने वाले हैं। आपको फौरन ही हम सीने की बीमारी के वार्ड में मुंतकिल कर देंगे, ठीक है ना? और आपको दो दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। इतने दिन हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं? मैं जितना खाने पीने का सामान अपने साथ लाई हूँ वो सब जाया हो जाएगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहरहाल मैं आपको दोबारा देखने आऊंगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरी दुआ है बेटा तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। शादी के बाद तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे हों, और वो भी बड़े हो कि तुम लोगों की तरह डॉक्टर बने। डॉक्टर होने के साथ साथ तुम्हारा लहजा कितना मीठा और कितना नरम है, बहुत ज्यादा शर्मीली हो तुम। बेटा तुम्हें इसको समझना होगा। वैसे मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। ठीक कह रहा हूँ ना शकील साहब? गेट वेल सून। गेट वेल सून। बस बहुत हो गया नैना, बस बहुत हो गया। तुमने उस खड़ूस डॉक्टर को अपने लिए खुद पसंद किया था। तुम्हें बिल्कुल भी लोगों की पहचान नहीं है, तुम बहुत ही मासूम हो, और तुमने उस शख्स के बारे में कुछ जाने बगैर उससे मोहब्बत कर डाली। क्या पता आबिद ने कुछ गलत सुन लिया हो, कम अज कम सिनान से बात तो करो ना तुम। जैनब ठीक है, आबिद को गलत फहमी हो गई, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा। कोई गलत फहमी नहीं हुई मुझे, मैंने जो कुछ भी सुना अपने कानों से वो बिल्कुल ठीक है। आबिद पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं, सही कह रहा है ये। सारी गलती सिनान की है जैनब, उसने झूठ बोला है मुझसे, धोखा दिया है मुझे। इस सब से दिल नहीं भरा तो शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। नैना क्या मैं बात कर सकता हूँ तुमसे? चलो नहीं बैठे रहो तुम लोग। नैना मुझे अकेले में बात करनी है तुमसे, चलो जाओ तुम लोग। हम तो पहले ही जा रहे थे। हाँ चलो बैठे रहो। कहाँ फंस गए? ठीक है तो आप सब यहीं बैठे रहे। नैना मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है और मुझे मना बिल्कुल मत करना, और तुम दोनों यहीं बैठे रहो। देखा फौरन चला गया वो, मुझे पता है कि वो मुझे कहाँ लेकर जाएगा, जरूर अपने बेटे से मिलवाने ले जाएगा मुझे। मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। पागल मत बनो तुम नैना यार, चुपचाप उसके साथ जाओ और इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करो, यही सही वक्त है। अबे तुम ये क्या कर रहे हो यार? ये क्या है? मैं इस तरह से तुम्हें तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करने दूंगा, ये रिजाइन नहीं देने दूंगा। हाँ बिल्कुल, अभी तुम भूल जाओ इसे, इस सब के पीछे अपना फ्यूचर दाव पर मत लगाओ। देखो नैना, जाओ सिनान के साथ, उससे बात करो, चीजों को सॉल्व करो। नैना हो सकता है कि सच्चाई जानने के बाद तुम माफ कर दो उसे, मेरी खातिर जाओ प्लीज, जाओ नैना। ओह ज़ैनब यार, ओह। ओह यार कितनी अजीब बात है, तुम इससे कुछ भी कहती हो तुम्हारी बात फौरन मान जाती है, जबकि मैं इससे कुछ भी कहूँ ये मेरी बात कभी नहीं सुनती। अब इसका क्या करूँ मैं? फाड़ दो आबिद। सच कह रही हूँ। जल्दी, आज पहली दफा मैंने तुम्हारी बात भी मान ली। आबिद। नैना मैं जानता हूँ इन दिनों मैंने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया, लेकिन अब से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें? यार ऐसा तो मत कहो नैना, मतलब आज के बाद सारी तैयारियों में तुम्हारा साथ दूंगा मैं, और तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वैसे अभी एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए मेरे पास। ओके अब थोड़ा सा मुस्कुरा भी दो। क्या सोच रही हो नैना? चलो आ जाओ। यहां क्यों आए हैं? तुम खुद आके देख लो ना, आ जाओ।
गुड इवनिंग. हेलो, वेलकम सर. थैंक यू. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए. बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ. आपको हमारी शॉप ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? अरे बिल्कुल नहीं, मैंने आपका नंबर नोमान से लिया था. हाँ, उन्होंने कल दोपहर में कॉल करके आपके बारे में बता दिया था मुझे. आई थिंक वो यहाँ आया भी था. हाँ, उन्होंने हमारी सर्विसेज को बहुत पसंद किया था. हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा फीडबैक दिया था उसने. क्या आपने अगले महीने का इवेंट प्लान किया है? देखते हैं, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं किया हमने. मैं जल्द आपको. अरे अरे सिनान साहब, रहने दीजिए आप इसे, मैं उठा लेती हूँ, आप परेशान मत हो. क्या ये एक फूल ले सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. नैना, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था, ठीक है? तुम यूं ही बिलावजह परेशान हो रही हो, इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. चलो आओ, ये देखो, ये मॉडल टेबल का है और ये जो केक है ये तुम्हारी पसंद का होगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी, नैना, 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 क्या हो गया तुम्हें, कुछ तो बताओ मुझे. सिनान, मैं ये सब नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती मैं तुमसे. नैना देखो, इस वक्त तुम शायद बहुत स्ट्रेस में हो और ऐसे में तुम सब कुछ उल्टा सीधा सोच रही हो. टैक्सी. नैना, नैना पुरसुकून हो जाओ यार, सिर्फ ये सोचो हमने कितनी मुश्किलों का सामना किया यहाँ तक पहुँचने के लिए और किस लिए किया, बोलो. हाँ, मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा. नैना, मुझे अकेला रहने दो प्लीज. हाँ सीमा, क्या हुआ? सिनान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, क्या आ सकते हो इस वक्त? समझ गई, मैं इंतजार कर रही हूँ. देखो ये मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ, चाहो तो इसे अगले साल भी पहन सकती हो तुम. देखे नानी जान, ज्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए. अरे नहीं, मैं तुम्हारे साइज से स्वेटर जरा बड़ा बनाऊंगी. यूनिफॉर्म किस रंग का है तुम्हारा? अगर तुम मुझे बता देती तो मैं उसी रंग का ऊन ले आती, लेकिन तुम तो मुझे कुछ भी नहीं बताती. जो दिल करे उसी रंग का बना दे. हद है यार, जब मैं कॉल नहीं उठा रही हाँ तो मुझे बार बार कॉल क्यों किए जा रहे हैं? हाँ उफ, कहो तो खिड़की से बाहर फेंक दूँ इसे. हाँ नहीं नानी, ऐसा हर किस्मत कीजिएगा. ठीक है. बेल बजी. ये जरूर सिनान होगा. सिनान, वो तो मुझे मार डालेगा. मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए, यही ठीक रहेगा. हाँ नानी जान, मेरी जगह आप दरवाजा खोलने जाएं. वो लड़का याद है ना जिससे शादी हो रही है मेरी, और उसकी आंखें है ना बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, याद आया? उसका कद भी लंबा है और बाल आवारा लड़कों की तरह बिखरे हुए. हाँ बिल्कुल. हाँ, दरवाजे पर जाएं आप और उसे अंदर मत आने दीजिएगा, भगा दीजिएगा. ठीक, कहिएगा कि मैं घर पे नहीं हूँ. समझ गई मैं. आंटी नैना कहाँ है, क्या मेरी बात हो सकती है उससे? तुम कुछ लेकर नहीं आए? मैं कुछ समझा नहीं. मेरी बेटी के लिए ज्वेलरी लानी थी ना तुम्हें, और माँ होने की हैसियत से मेरे लिए भी अंगूठी लाना. समझ गया मैं, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ले आऊंगा. अच्छा नैना कहाँ है ये बताइए. जब तक ये चीजें लाओगे नहीं मैं अंदर नहीं आने दूंगी तुम्हें. इतना तो बता दें कि नैना यहाँ है या नहीं? नहीं नहीं है वो यहाँ. अरे जाओ यहाँ से. नैना,
क्या कहा उसने? वो ज्वेलरी लेकर आएगा तुम्हारे लिए। मेरी बेटी है ना, मुझे हर चीज देखनी तो होगी ना। मुझे इन्हें नहीं भेजना चाहिए था। वो दोबारा से आ गया नानी, अंदर मत आने दीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? ठीक है। अब कौन आ गया? मुझे पता था मेरी प्यारी नानी यहाँ पर होंगी। एक मिनट, जूते उतार लो। थैंक यू सो मच। देखें, ये फ्लावर्स मैं सिर्फ अपनी प्यारी नानी के लिए लाया हूँ। चॉकलेट भी ले आते इसके साथ, चलो आ जाओ। अरे आप इस उम्र में चॉकलेट खा के क्या करेंगी, वैसे ही आपको शुगर है, ये क्या चीज़ है? ओ मेरे खुदा, ये तो एक बला है, कर ली बल वाली। क्या हो गया आबिद, चिल्ला क्यों रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं समझी सिनान आ गया इसलिए। तो ये सारा डिप्रेशन जो तुमने फैलाया हुआ है वो सिनान की वजह से। मैं उसे अभी ढूंढ के लाऊंगा और अपनी प्यारी नैना को दूंगा, और अगर वो नहीं माना तो उसे मारूंगा। लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगेगा तुम। नहीं यार, इसकी जरूरत नहीं। मेरी बात सुनो, जाओ मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओ, जाओ। यार इन्हें बिल्कुल एहसास नहीं है, इन्हें शुगर है, चॉकलेट नहीं खा सकती। यार चले जाओ ना, लेकर आ जाओ चॉकलेट। और मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज ले आना। फरमाइश तो किए जा रही है, मगर ये नहीं पूछा मुझसे कि मेरे पास पैसे हैं कि भी नहीं। अच्छा ठीक है आबिद, देती हूँ तुम्हें पैसे, ढेर सारी खरीद कर लाना। हाँ हाँ जा रहा हूँ, लेकर आऊंगा। इनका सिस्टम ना हैंग हो जाता है, वहीं अटक जाती। लो चांदी की प्लेट में पेश करना मुझे। अरे नानी चांदी की प्लेट का क्या करेंगी आप? हाँ चॉकलेट्स तो बॉक्स में ही होती है ना। चांदी की प्लेट के लिए और पैसे देने होंगे तुम्हें। अच्छा और क्या करूँ मैं? तुमने ही तो कहा था कि उन्हें उदास मत किया। अभी तक बैठे हो, जल्दी से जाओ। यार इनको बताओ कि मैं इनका नवासा हूँ। लग तो ऐसा रहा है जैसे मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ, उनकी सारी फरमाइशें पूरी करूंगा। अरे लगती है बहुत ही हाथ चलने लगे हैं वैसे तुम्हारे ना। मैं आ गया, मैं आपके लिए बहुत ही शानदार चॉकलेट्स लेकर आया हूँ, देख ले। दिखाओ जरा मुझे, दिखाओ। सिर्फ आपके लिए। देखूं तो? ये तो बहुत अच्छी है, बहुत। मैं चेक करके बताता हूँ कैसी। हरगिज नहीं, इसे हाथ मत लगाओ, चलो उठो अभी हमें जाना है। अभी तो आया हूँ, आप मुझे कहाँ ले जाना चाहती हैं? तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी है, वो बहुत ही प्यारी बच्ची है। ये लो इसे तुम पकड़ो, अब बैठे क्यों हो, चलो हमें जाना है। अगर कोई और कहता कि तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी है तो मुझे बेहद खुशी होती, मगर अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मुझे क्या मिलने वाला है। लड़की के रूप में इनकी पसंद पे मुझे बिल्कुल एतबार नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे बता दें प्लीज। हमें देर हो रही है। तुम इन कपड़ों में चलोगी? इसमें अच्छी तो लग रही हूँ। वाकई में? हाँ चलो फिर चलते हैं, आ जाओ। वैसे ही लेकर कहाँ जा रही है हमें? अरे यार कुछ नहीं, इनके साथ नीचे चलते हैं, ताज़ा हवा खाएंगे ना, खुद ही इनका दिमाग ठीक हो जाएगा, बल्कि नॉर्मल हो जाएंगे खुद। नानी माँ मेरी बात सुनिएगा, आप जो दुल्हन के लिए तोहफा लेके जा रही हैं वो मुझे दे दे, मैं उसे खुद दे दूंगा। अब मैं तुम्हारे नाना को फोन करके बोलूंगी तो वो हमें पैसे भेज देंगे, चलो आ जाओ। अरे वाह, मेरे नाना मेरी शादी का खर्चा भी उठाने वाले हैं नैना, क्या बात है उनकी। नानी तो मिली ही मिली थी, नाना भी मिल गए मुझे, इसको क्या कहते हैं, किस्मत। हाँ किस्मत, बिल्कुल सही जवाब। चलो अब चलते हैं नीचे, वो इंतजार कर रही होंगी हमारा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि नानी इस वक्त मेरा रिश्ता लेकर जाएंगी तो कहाँ जाएंगी। नानी आप बता तो दें आखिर लेकर कहाँ जा रही हैं हमें? वो नानी बात तो सुने। नाना ये तो मरवा देंगी यार। क्या कर रही हैं यहाँ? सुनो अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। नैना सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है, सब खैरियत। अंदर आ जाओ तुम लोग। अरे खुश आमदीद। शुक्रिया दुल्हन की माँ। गुड टू सी यू आंटी। गुड इवनिंग सोनिया मैडम। हम यहाँ दरअसल यहाँ पे अच्छे काम से आए हैं। बेटा तुम हमारे लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाओ। अम्मी कॉफी कहाँ रखी है मुझे नहीं मालूम। मेरे साथ आओ बताती हूँ कहाँ रखी है। नैना यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं आ रही? यही ठीक हूँ मैं। नैना आखिर मसला क्या है, तुम मेरी कॉल तक का जवाब नहीं देती हो यार। हाँ नहीं दूंगी जवाब मैं। नानी माँ मेरी बात समझने की कोशिश करें और यहाँ से चलें। ये लोग बहुत अजीब हैं, अपनी लड़की हमें हरगिज भी नहीं देने वाले, और उसकी वजह आपको पता है, ये बहुत ही आला खानदान की सातवीं पुश्त है। हम भी किसी से कम थोड़ी है। हा? हाँ वैसे ये बात सच कह रही हैं आप, मगर चॉकलेट को मेज पर रख दो। शाबाश बेटा, फूल भी साथ में रख दो। ओके रख भी दो, अब बैठ जाओ दोनों। हाँ यहाँ आखिर हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप यहाँ आकर बैठ जाओ। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा नानी माँ, ये वो वाहिद चीज है जो आपने बहुत अरसे बाद बिल्कुल ठीक वक्त पे की है, क्योंकि इसका मुंह बंद रहे तो वही बेहतर है। आबिद मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे कान खोलूं।
ले लो। ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तुम्हारी मर्जी। बिल्कुल अपनी शक्ल जैसी बनाई। बेटा कॉफी ले लो। आप शक्ल तो देखें कॉफी की। अगर आप कॉफी की शक्ल देख लेना तो आप इस लड़की का रिश्ता डालने से पहले ही इनकार करते। तो खुद बना लेते। अच्छी कॉफी बना लेता हूँ मैं। अच्छा तो मैं क्या ये जान सकती हूँ कि आपके यहाँ आने का मकसद क्या है? रुको, इन्हें वरना बहुत बेइज्जती होगी। मैं क्या बोल सकता हूँ? मेरे यहाँ आने का मकसद, मेरी नवासी एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है और सलीका मंद बच्ची भी है। अम्मी। हाँ? ये लोग यहाँ किसी शादी की प्लानिंग से तो नहीं आए? क्या मतलब? ओ, ये तो तुम्हारी वजह से यहाँ आई है, मुझे तो सुकून हो गया। नानी जान, हमें अब चलना चाहिए, चूल्हा खुला छोड़ आए हैं हम। आ जाए मेरे साथ, हम चलते हैं वरना सब कुछ जल जाएगा। परेशान ना हो बेटा, मैंने गैस का चूल्हा बंद कर दिया था। आओ बैठो मेरे पास, आ जाओ। हाँ तो ये लड़का बहुत ही अच्छा कमाता है, जुआ नहीं खेलता, झूठ नहीं बोलता और एक महल में डॉक्टर है। नैना क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? ये जिस भी लड़के के बारे में बात करी वो मैं नहीं हूँ। महल की सारी कनीजें इसके पीछे हैं। वैसे ये बात ठीक थी बिल्कुल। मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगने आई हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है अपने बेटे के लिए। इस रिश्ते के बारे में क्या ख्याल है आपका? सारे कपड़े गंदे कर दिए नानी माँ के, और इनके पास तो दूसरे कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। परेशान मत हो, ये बच्ची बहुत प्यारी है, ये इसे अच्छी तरह से साफ कर देगी। अम्मी जान, ये सब क्या हो रहा है आखिर? अम्मी जान, अम्मी आप जरा इनकी कंडीशन समझने की कोशिश करें, क्या हो गया आपको? समझे? क्या समझूं मैं? अम्मी आप पुरसुकून हो जाए, परेशान ना हो, सिर्फ रिश्ता मांगे, कौन सी शादी हो गई? तुम्हें ना एक बात बताने की ना बेहद जरूरत है, तो सुनो। तुम मेरे साथ क्या नीचे चल सकती हो? क्योंकि जो एक फौज खड़ी है नीचे तुमसे शादी करने के लिए, मैं उनसे तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ ताकि वो तुम्हें देख लें। चले नानी माँ, घर चलते हैं, यहाँ तो फजूल की बातें हो रही हैं। आ जाएं। जा रहे हैं हम। सोनिया मैडम, दरअसल मेरी नानी की जहनी कैफियत कुछ ठीक नहीं, इसलिए ये सब कुछ हुआ। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। नैना वो चॉकलेट उठा लो, क्योंकि वो बहुत महंगी है और मैं बड़ी मेहनत से लेकर आया था बाहर। पहली फुर्सत में लेके जाओ, तुम अपनी ये सड़ी हुई चॉकलेट किसी को नहीं चाहिए यहाँ। मैं चॉकलेट इसलिए लेके जा रहा हूँ कि अगर तुमने ये खाई तो 200 लोग और बढ़ते हैं। क्या उन्होंने इनकार कर दिया? मैं चलती हूँ। या फिर वो लड़की किसी और से मोहब्बत करती? जी नानी, उन्होंने इनकार कर दिया, वो किसी और से प्यार करती। नैना, नैना। हाँ बोलो सिनान। क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, मेरी नानी के बारे में तुम्हें सब कुछ तो पता ही है। मैं इस सब के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ नैना। नैना आखिर तुम्हें क्या हो गया? मुझे कुछ बता भी नहीं रही हो तुम। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ तुम उसका जवाब तक नहीं देती, मुझसे तुम मिलना तक नहीं चाहती। मेरे ख्याल से शादी का फैसला ठीक नहीं है अभी। हम एक दूसरे को सही तरीके से जानने के लिए कुछ और वक्त की जरूरत है। नैना, बाहर आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना। ओके ठीक है। कौन है भाई इस वक्त? कौन आ गया यहाँ पर और बेल पे बेल बजाया जा रहा है जैसे बिजली का बिल नहीं आता बेल बजाने से? इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आबिद नैना को बताओ मैं आया। मैं नहीं बता सकता उसे। आबिद देखो मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, मेरा मजीद दिमाग खराब मत करो। वो सो रही हो, तुमसे नहीं मिलना चाहती। जाके नैना को बोलो कि मैं आया। यार आबिद हट जाओ मेरे। क्या मसला है, धक्की क्यों दे रहे हो? सिर्फ एक बार नैना से मिलना। मैंने कहा ना तुम इस वक्त नहीं मिल सकता नैना। आबिद क्या हो रहा है यहाँ पर? इसको तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है आबिद तुम जाओ यहाँ से। क्या मैं चला जाऊँ?
मेरी नजर तुम पर है। आबिद क्या लेने आए हो सिनान? नैना तुम्हारी हरकतें मेरी समझ से बाहर है, तुम्हें जो फैसला करना है करो, लेकिन मुझे कम से कम बताओ आखिर हुआ क्या है। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं, अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ बता सकते हो। हा? मैं क्या बताऊँ, हरकतें तो तुम अजीब सी कर रहे। मेरी हरकतें? हाँ नैना हद होती है, मेरी बर्दाश्त की भी एक हद है, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, लेकिन ये पागलों वाली हरकतें करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है मेरी हरकतें अजीब है, मैं अजीब बर्ताव कर रही हूँ तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारी तरह सोचे समझे बगैर किसी पर चिल्लाती नहीं हूँ, ना किसी पर इल्जाम लगाती हूँ। मेरी मर्जी में जो चाहे करूँ। हाँ तुम मुझे बताए बगैर कम से कम इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती। तुम्हारी नजर में सिर्फ मैं ही गलत हूँ? हाँ क्या तुमने एक बार भी सोचा कि मैं इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे क्या वजह है, कभी सोचा तुमने? बहुत सोचा लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, तभी तुम्हारे पास आया लेकिन कुछ बता ही नहीं रही। हद है यार। नैना अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछना है तो तुम पूछ सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा तुमसे पूछने के लिए कि क्या हुआ, बहुत हो चुका। अरे क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो, कहां जा रहे हो? कुछ नहीं हुआ अम्मी, मैं जरा बाहर जा रहा हूं। लगता है लव स्टोरी का एंड हो गया।